नमस्कार दोस्तों, ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज के एपिसोड नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म का पार्ट 1। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, इसके फाउंडर थे गौतम बुद्ध, ठीक है। इनका पहले नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और इन्हें शक के मुनि भी बोला जाता था, क्योंकि शक के क्षत्रिय क्लैन से थे, ठीक है। और इनको तथागत भी बोला जाता है, ठीक है। और इनका बर्थ हुआ था 563 BC में। इनके फादर का नाम था शुतोधन। ये थे एक शक रूलर, यानी शक रूलर थे। और इनकी जो पहली मदर थे, जिन्होंने जन्म दिया, उनका नाम था महामाया। वो कौशल के किंग की बहन थी, कौशलन डायनेस्टी की थी, ठीक है। लेकिन उनकी डेथ हो गई थी जल्दी। और गौतम बुद्ध वॉज ब्रॉट अप बाई हिज स्टेप मदर, सौतेली माता गौतमी जी, ठीक है। और इनकी इनका विवाह हुआ यशोधरा से, और इनका एक सुपुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। और बुद्धिज्म में फिर हम बात करते हैं त्रिरत्नास की, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जैनिज्म में हमने थ्री जूल्स पढ़े थे, वैसे बुद्धिज्म में भी हैं थ्री जूल्स, त्रिरत्नास। तो इनमें क्या क्या हैं? बुद्ध जो इनके फाउंडर थे, और दूसरे थे धम्म, यानी कि उनकी टीचिंग्स धर्म वाली, और तीसरा था संघ, ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स, ठीक है। तो बोलते भी हैं बुद्धम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी, संघम शरणम गच्छामी। और फिर फेज ऑफ बुद्धाज लाइफ जो डिफरेंट डिफरेंट हैं, उनको क्या क्या नाम दिया गया, हम देखते हैं। जब उन्होंने 29 साल की उम्र में जो है अपना, जो हम बोलते हैं कि घर को त्यागा, तो उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे जो कैटेगराइजेशन है फेज ऑफ लाइफ की, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर पीपल ट्री के अंडर बोध गया में एट द एज ऑफ 35 इनको अटेनमेंट मिली, ठीक है। और जिसको निर्वाण भी बोलते हैं, ठीक है। अटेनमेंट बोलते हैं, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज को एनलाइटनमेंट भी हम इंग्लिश में बोल देते हैं, और बुद्धिज्म में निर्वाण बोलते हैं। देखो, बुद्धिज्म में जो निर्वाण है, वो निर्वाण थोड़ा सा डिफरेंट है जैनिज्म वाले में। जैनिज्म में जब पास अवे हो जाता है कोई संत जिसने कैवल्य अटेन किया हो, तो उसको निर्वाण बोलते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में उसको परिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है, या महापरिनिर्वाण बोलते हैं। लेकिन ए जो वहाँ कैवल्य होता है, वो इसको जैनिज्म में कैवल्य जो होता है वो बुद्धिज्म में निर्वाण कहलाता है, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट सरमन दी थी, कब दी थी इन्होंने फर्स्ट सरमन? जब दी थी तब उन्होंने दी थी सारनाथ में, डियर पार्क में, ठीक है। और उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। फर्स्ट सरमन मतलब फर्स्ट उन्होंने जब लेक्चर दिया था। और जब इनकी डेथ हुई थी, तो उसे महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है। दोनों ही बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े से फाउंडर थे, इसलिए महापरिनिर्वाण बोला जाता है। द फोर ग्रेट ट्रूथ्स, भगवान बुद्ध ने धम्म, हम धम्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पाली फॉर्म है धर्म का, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि ये चार जो हैं, ये ग्रेट ट्रूथ्स हैं लाइफ के, इस जीवन के। पहला है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो एंड मिजरी, वर्ल्ड में दुख है, ठीक है। और इस दुख का जो कॉज है वो है डिजायर, और डिजायर को खत्म किया जा सकता है कैसे? बाई किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर, अपनी इच्छाओं को मार देने से या कंट्रोल करने से ही आप जो है अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि दुखों का अंत करने के लिए डिजायर को कंट्रोल कैसे की जाए। तो उन्होंने बोला लास्ट ट्रूथ में कि आप एट फोल्ड पाथ, जिसे अष्टांग मार्ग भी बोलते हैं, एट फोल्ड पाथ को फॉलो कीजिए, उससे जो है आपकी डिजायर कंट्रोल हो जाएंगी। अब ये एट फोल्ड पाथ क्या थी, ठीक है। राइट अंडरस्टैंडिंग बोल देते हैं, या राइट विजन भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर था राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, ठीक है, राइट एफर्ट्स, राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप इसको उटालेस एमसी जो है ऐसा बना के याद रख सकते हैं, किसी भी तरह याद रखिए, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर देखो निर्वाणा की बात करें, बुद्धिस्ट बिलीव इन निर्वाणा, ठीक है। अब निर्वाण क्या होता है, ये बोलते हैं जब डिजायर खत्म हो जाती है, ठीक है, फिर रीबर्थ भी जो है उसी टाइम खत्म हो जाएगा आपका, लेकिन वो जीवन आप जी रहे होंगे, ठीक है। तो निर्वाणा अटेन हो जाता है, आपको फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड रीबर्थ तो मिल जाएगी, ठीक है, एट फोल्ड पाथ से। तो जब आपको निर्वाणा मिल जाएगा, बस आपको बस वही जीवन का वो वाला पार्ट रहेगा। उसके बाद आपको जब महापरिनिर्वाण मिल जाएगा, तब आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर ये अहिंसा में बिलीव करते थे, कहते थे कि वन शुड नॉट कॉज इंजरी टू एनी लिविंग बींग और एनिमल। फिर लॉ ऑफ कर्म की जो बात है, ये लॉ ऑफ कर्म में बिलीव करते थे। ये बोलते थे कि हम जो है, अब जो हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं, उनका फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, ठीक है। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं, ये कॉमनली ना इनको मतलब थ्री बास्केट्स या थ्री फोल्ड बास्केट्स बोला जाता है।
और त्रिपिटक बोलते हैं, पिटक मतलब एक बास्केट, ठीक है। पहले पहले आती है विनयपिटक, इसमें रूल्स बताए जाते हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री क्या होती थी, मोनेस्ट्री जहाँ बुद्धिस्ट मंक्स रहा करते थे, तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में क्या रूल्स होंगे डिसिप्लिन के, वो विनयपिटक में बताए गए हैं। फिर है सुत्तपिटक, सुत्तपिटक में भगवान बुद्ध की जो है सरमन्स और टीचिंग्स बताई गई हैं, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द थ्री पिटक्स, ठीक है। और फिर अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिस्ट रिलीजन के बताए गए हैं, ठीक है। और श्रीलंका के दो और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में भी बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, तो वो है महावंशा और दीपवंशा। अब कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म पे हम आते हैं दोस्तों, ठीक है। बुद्धिज्म के डिक्लाइन का कारण क्या था, बुद्धिज्म के डिक्लाइन का कारण था यूज ऑफ संस्कृत। क्योंकि फिर से जो है आप बोल सकते हैं कि जो मंक्स थे वो फिर से संस्कृत यूज करने लग गए थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स थी, ठीक है, पाली की जगह। भगवान बुद्ध, देखो ये पहले जो ये बुद्धिज्म है ये पहले क्यों आगे आया था, ठीक है, वो आगे इसलिए आया था क्योंकि वहाँ भगवान बुद्ध पाली यूज़ करते थे जो कि कॉमन मैन की लैंग्वेज थी, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो बुद्धिस्ट मंक्स थे वो भी पाली यूज़ करते थे, लेकिन बाद में ये संस्कृत यूज़ करने लग गए थे, ठीक है। और फिर हिंदुइज्म भी रिवाइव हो गया था, जो हिंदुइज्म में बाद में कुरीतियाँ आ गई थी वो फिर से जो है वो ठीक करने लग गए थे उन कुरीतियों को, ठीक है। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कीजिए।